शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा जी। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है, आज माँ कात्यायनी का दिन होता है, आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो कैसे करें उनकी पूजा, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरिता मिश्रा जी। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज माँ कात्यायनी का दिन है सरिता जी, आज छठवां दिन है। आज अब छठा दिन आते आते जो व्रत भी होंगे उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि अब हम शक्ति का महसूस होना शुरू हो जाता है, माता की महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आज माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें? देखिए, माँ कात्यायनी छठा रूप है माँ दुर्गा का। तो मैं आप सबको बताऊंगी, माँ कात्यायनी जो है वो माता का छठा रूप है, इसीलिए छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं। और कौन है माँ कात्यायनी? कात्यायनी महर्षि, हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने दुर्गा की कठिन तपस्या कर उनको अपने पुत्री के रूप में प्राप्त किया था, इसीलिए माता का नाम माँ कात्यायनी पड़ा है। तो माता को कात्यायनी का जो स्वरूप है वो शत्रुनाशक के रूप में माना गया है। यदि आपके जीवन में शत्रुनाशक बहुत बढ़ गए हैं, शत्रुता बहुत बढ़ गई है, तो माँ कात्यायनी की पूजा आराधना अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शत्रुनाश अवश्य होंगे और आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में आपकी दिक्कतें, आपके शत्रु को नाश करने के लिए माँ कात्यायनी अवश्य बैठी हैं। पूजा आराधना करें, सुबह जल्दी नहा धो लें, पूजा कर माता सुबह जल्दी उठें। हर एपिसोड में एक बात पे बहुत जोर देती हैं कि सुबह जल्दी नहा धो लें। एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना बहुत अनिवार्य है, किसी भी पूजा पाठ के दिन तो कम से कम ज़रूर ऐसा करें कि आप जल्दी उठ जाएँ, क्योंकि आजकल की दिनचर्या में लोग लेट सोते हैं और जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहेंगे कि पूजा आराधना के दिन तो कम से कम ऐसा हो जाए कि लोग सुबह जल्दी उठें। नहीं, और आपके कहने से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों पर इसका असर पड़ा होगा। जरूर पड़ना चाहिए, कोशिश करके लोग सुबह उठते होंगे। हम तो कहते हैं पढ़ना चाहिए, जितना जल्दी आप उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, पूजा आराधना कर लेंगे, उसके बाद आप अपने सभी समस्त कामों को कीजिए, मगर सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर पूजा करें, आराधना। तो माँ कात्यायनी को कैसे खुश करें, क्या भोग लगाएं उन्हें जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद? माँ कात्यायनी को वैसे तो शहद और हल्दी का भोग अवश्य प्रिय है, अति प्रिय है। यदि हो सके तो माता के आगे शहद और हल्दी, साबुत हरी हल्दी, साबुत पीली हल्दी का भोग लगाएं। शहद और हल्दी अलग अलग रखें या एक में मिला के रख सकते हैं? एक में मिलाकर भी रख सकते हैं आप। हल्दी के ऊपर भी थोड़ा सा शहद अगर डाल के माता को आगे प्रसाद के रूप में रखेंगे तो ऐसा करने से भी माँ कात्यायनी अति प्रसन्न होगी। और आपके जीवन में यदि शत्रुता बहुत बढ़ रही है, शत्रुओं का नाश चाहते हैं, तो वो भी पूजा आराधना करके माता के आगे आप प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के उनसे विनती करें कि मेरी जितनी भी शत्रुता बढ़ रही है वो सब खत्म हो जाए, परास्त हो जाए और मुझे विजय प्राप्त हो। तो ऐसा करने से माँ कात्यायनी अति प्रसन्न होगी और आपके जीवन में शत्रुता अवश्य खत्म होगी। तो सरिता जी, आपके हिसाब से माँ कात्यायनी को खुश करने के लिए कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? देखिए, वैसे तो माता के आगे तो आप कुछ भी अगर हाथ जोड़ के विनती भी कर देंगे कि जय माता की, तो इससे भी आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। मगर फिर भी यदि कोई बीज मंत्र आप माँ कात्यायनी का जानना चाहते हैं तो वो हो सकता है ओम देवी कात्यायनी नमो नमः। ऐसा बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, नहीं हो सकता तो जय माता की अवश्य करें। कम से कम जय माता का भी आप जाप करेंगे तो आपको पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। वो एक लाइन है ना, नाम जपते रहो, काम करते रहो, हर समय मैया का ध्यान करते रहो। मैडम, सिर्फ नाम जाप ही चलता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर के सामने बैठे हैं तभी, आप अपने अपने मन में भी सोच रहे हैं, माँ का ध्यान कर रहे हैं, तो माता उससे भी खुश होती हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट का, जिसमें आप छोटे छोटे उपाय बताती हैं बड़े परेशानियों को दूर करने के लिए। तो आज किसी ने पूछा है कि आजकल एक देखिए सबसे बड़ी परेशानी हो गई है घर में क्लेश का, घर में शांति नहीं है, लोग हैं पर एक दूसरे के साथ प्रेम भाव नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो इस परेशानी को कैसे दूर करें? सबसे पहले हम बात करेंगे ये परेशानी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आज की तारीख में इंसान के पास सब्र ख़त्म हो गया है। हर चीज़ इंसान को बहुत जल्दी चाहिए अपने जीवन में, चाहे वो तरक्की है, चाहे वो पैसा है, हर चीज़ का शॉर्टकट चाहता है जीवन में इंसान।
तो कलेश बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण मैं इसी चीज़ को मानती हूँ, या कोई नेगेटिविटी हो सकती है। तो आप घर में अवश्य नमक का पोछा लगाएं, ऐसा करने से भी आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। तो नमक का पोछा लगाएं मतलब बकेट में जो आपके पानी जो बकेट है उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल दें, उसके बाद आप उससे मिलाकर अपने घर में पोछा करें तो आपके घर का समस्त नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अगर नेगेटिविटी की वजह से आपके जीवन में कलेश है तो वो कलेश खत्म होगा। और यदि धैर्य नहीं है तो मंत्र जाप करें, बैठ के मेडिटेशन करें ताकि आपके जीवन में धैर्य हो और आप किसी भी चीज़ के लिए सब्र सीखें। जीवन में सब्र होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आप किसी भी चीज़ के लेके तरक्की कर सकते हैं। यानी एक बात तो साफ है कि अगर नेगेटिविटी है तो आप जैसे आपने बताया नमक का पोछा लगाई उससे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना मन साफ रखिए। क्योंकि एक बात तो सही है सरिता जी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर आदमी में कुछ कमियां होती हैं, हर आदमी में कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो हम एक दूसरे की कमियों को, अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों को भी अगर लेकर साथ चलें तो शायद हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो पूरी जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। जय माता दी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।